आज पुनः एक बार फिर से अन्वेषक संघ की पूरी टीम विक्रम सिंह एवं एस फोर के उन पदाधिकारियों के साथ राज्य परियोजना कार्यालय पहुंची थी, जहां पर अपनी कार्यवृत्ति प्रगति की जानकारी जुटानी थी। ट्रांसफ़र को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर उन्हें राज्य परियोजना कार्यालय में वार्ता करनी थी माननीय परियोजना निदेशालय में निदेशक महोदय से। लेकिन वहां पर पहुंचकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लोगों का प्रोटेस्ट देखकर लग रहा था कि अब इस बार इनका निर्णय हो जाएगा। और इनके निर्णय होने से पहले अन्वेषकों के भविष्य को लेकर भी निर्णय हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अन्वेषक वेटिंग में हैं, उन्हें वेटिंग पर रखा गया है, उन्हें इंतज़ार करने को कहा गया है। एक माह के अंदर, एक से डेढ़ माह के अंदर कार्यवृत्ति को पूर्ण रूप से लागू करने का, किन किन मुद्दों पर अब लागू किया जाएगा ये भविष्य बताएगा, के लिए आश्वासन मिला है। आप देख रहे हैं तस्वीर में पूरे जोश और खरोश के साथ अन्वेषक शिक्षक बहने भाई और साथ ही हमारे अभिभावक तुल्य एस फोर के महारथी अन्वेषकों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बात को मनवाने के लिए डटे हुए हैं राज्य परियोजना कार्यालय में। आइए जानते हैं विक्रम सिंह जी के द्वारा पोस्ट की गई है, अपने साथियों को बताया गया है। क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, आप सभी अवगत हों कि आज राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में कार्यवृत्त को लागू कराने को लेकर आना हुआ। साथियों, आज परियोजना कार्यालय पर 69,000 भर्ती विवाद के कारण भारी भीड़ थी। शासन स्तर पर अधिकारियों की गहमागहमी के कारण महानिदेशक महोदया से मुलाकात संभव नहीं हो सकी। हम अन्वेषकों का स्थानांतरण मामला देख रहे श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्थानांतरण फाइल शासन स्तर पर लंबित है और कभी भी डिजिटली सिग्नेचर होकर प्रोसेस में आ जाएगी। आज परियोजना कार्यालय में पैरवी हेतु एस फोर के हमारे अभिभावकगण श्रीमान तारकेश्वर शाही जी, श्रीमान मनोज राय जी एवं अन्वेषक संघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी श्रीमती बहन प्राची मिश्रा जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमान ओम प्रकाश जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान सुमित पॉल जी सक्रिय सहयोग एवं यथेष्ट सहभागिता का निर्वहन किया। सक्रिय सहयोग एवं यथेष्ट सहभागिता का निर्वहन करते हुए संगठन तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए रणनीति के तहत प्रभावी पैरवी के लिए कृत संकल्पित है। विक्रम सिंह अन्वेषक संघ से उन्होंने ये पोस्ट की। आप सभी को सूचित किया, अन्वेषक न्यूज़ के माध्यम से आप सभी की सेवा में इसे पहुंचाया जा रहा है। अभी देखते हैं कब तक ये कार्यवृत्ति पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी, ये समय बताएगा। इसी तरीके से आप लगातार अन्वेषक न्यूज़ से वो हर खबर, वो हर क्रियाकलाप अन्वेषक संघ का देख पा रहे हैं अन्वेषक न्यूज़ के माध्यम से। आप सभी बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी बात को सकारात्मक रूप से वायरल किया जाए और आपके हक की इस लड़ाई में सहयोग के लिए प्रत्येक व्यक्ति तैयार रहे। अन्वेषक न्यूज़ पुनः आप सभी अन्वेषक संघ के पदाधिकारी एवं एस फोर के उन अभिभावक गणों को प्रणाम करता है, सलाम करता है कि आप लगातार सक्रिय रूप से इस बड़े पावन और पुनीत कार्य के लिए लगे हुए हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए अन्वेषक न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।